Morning, students. हम लोग आज लेआउट ऑफ सी फॉर पर देखेंगे. ये जो सीक्वेंस में ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन सा इसके साथ लिंक है? एक लेआउट इसका हम पढ़ेंगे. लेआउट मींस एक डायग्राम बनाएंगे, लाइन डायग्राम. सपोज हमने बॉलर कहीं बनाया, कहीं का पाइप बनाया, कहीं का डेंसर बनाया, जैसे हम बना रहे हैं एक डायग्राम का रैंक एंड सेकंड. तो सिर्फ एक रैंक एंड सेकंड हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लेते हैं. अब उस रैंक एंड सेकंड में और क्या क्या चीजें होंगी वो देखेंगे. तो सिर्फ एक दो कॉम्पोनेंट नहीं, मैक्सिमम कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं वो देखेंगे. ठीक है, तो एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ. आप उसे देखिए. ये वो प्रोसेस था जो हम
राइट टाइम में देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या चीजें और नियम हो रहे हैं, लेकिन सारे टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया है, इसलिए यहाँ पे सारे पार्ट्स को अलग से भी डिस्कस करेंगे, हम सारे पार्ट्स का फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो हमने वहाँ उसका है वर्किंग समझा था, उस वर्किंग को यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको कॉपी में लिखेंगे तो पूरा लिखेगा, थोड़ा ना लिखेगा, ठीक है। ठीक है, सारे डायग्राम बन गए हैं, अब वो और क्या देख रहा है, ओके, यही आपका लेआउट है, ठीक है।
हमने ये तो देखा था कि बॉयलर से निकल कर के स्टीम टरबाइन के थ्रू पावर प्रोड्यूस कर रही थी। इसके बीच में जो स्टीम जनरेट हो रही थी, स्टीम टरबाइन एंटर करने वाली थी, एक्चुअली में होगी कि यहाँ पे स्टीम एंटर डायग्राम में बस लेआउट में दिखाया गया है। तो स्टीम एंटर जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्व भी लगाते हैं, स्टीम कंट्रोल वॉल्व भी यहाँ लगा सकते हैं, स्टीम कंट्रोल वॉल्व भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके पहले देखिए, उसके पहले आपको डायग्राम में देखिएगा क्या हमने बॉयलर और टरबाइन के बीच में सुपर हीटर लगा दिया। बॉयलर और टरबाइन के बीच में एक सुपर हीटर लगा दिया, काम क्या करेगा आपको राइट हैंड साइड की याद होगी, अगर देखिए तो हम क्या करते हैं, यहां से अगर एंटर करेगा तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज्यादा लेके आएगा, क्योंकि इजीली बहुत जल्दी ये कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। बट अगर हम उसको स्पाइक सुपर हीट कर दें, थोड़ा टेंपरेचर बढ़ा दें सेम प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या होगा, टेंपरेचर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन प्रोसेस था यहां से यहां तक आने में 3 से 4 ना हमने नंबर की थी 3 से 4, तो 3 से 4 आने में जो समय लगेगा उसमें वो यहां से यहां तक देखिए ड्राई ही रहेगा, मतलब लिक्विड की क्वांटिटी टरबाइन के अंदर बहुत कम रहेगी, इसका मतलब टरबाइन डैमेज होने की चांसेस बहुत कम रहेगी, इसीलिए सुपर हीटर लगा दिया। काम क्या करेगा, टरबाइन में भेजने से पहले एट कांस्टेंट प्रेशर पे टेंपरेचर इंक्रीज कर देगा, कांस्टेंट प्रेशर पे टेंपरेचर इंक्रीज कर देगा, किसका, स्टीम का, जिसकी वजह से जब टरबाइन में एंटर करेंगे तो टरबाइन में एंटर करने के साथ हमें ऐसा दिखेगा कि जो वैल्यू है ड्राइव एक्सपेंशन की वो इंप्रूव हो चुकी रहेगी, जिसकी वजह से हमें टरबाइन को लॉसेस बहुत कम होंगे। तो एक तो ये डायग्राम है, बॉयलर, सुपर हीटर, स्टीम टरबाइन, स्टीम और टरबाइन में एंट्री, ये तो आपको पता चल गया सुपर हीटर लगाया। नेक्स्ट आता है एयर प्रीहीटर, सॉरी नेक्स्ट है आपका इकोनोमाइजर, नेक्स्ट है आपका इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या था वो देखते हैं, आपको बताया था इकोनोमाइजर का काम होता है स्लाइट अमाउंट ऑफ टेंपरेचर इंक्रीज करना, किसका, वाटर का। क्यों वाटर का इंक्रीज करेंगे भाई, वाटर का मतलब क्यों करेंगे, देखिए नीचे कहीं पर ऐसा मान लीजिए कि कोई रिवर है, कोई ऐसी जगह है जहां पर कैनाल है, जहां पानी बहुत ज्यादा है, मींस पानी की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि स्टीम जनरेट कर रहा है तो कंटिन्यूस हमें अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वो वाटर आएगा कहां से, तो हम प्लांट को ऐसी जगह सेट करते हैं जहां वाटर की अवेलेबिलिटी हो। तो मान लेते हैं कि नीचे कोई हमारा रिवर बह रहा था, रिवर आसपास है हमारे प्लांट के, वहां से हम पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पानी को लेंगे स्टीम जनरेशन, बट क्या डायरेक्ट उस वाटर को यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उस वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम अपने सिस्टम में एंटर नहीं करा सकते, तो हम उस वाटर को किसी ना किसी तरीके से कोई मेथड अपनाएंगे, कोई भी मैकेनिकल हो या केमिकल हो, कोई मेथड यूज करेंगे जिससे हम वाटर को क्लीन कर सके। तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, WTP मैंने उसे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ी जगह इसमें नहीं थी इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या करेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी आप रिवर या कैनाल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे पंप के थ्रू बाहर निकालेंगे, वो उसे साफ करेगा, ठीक है, वो उसे साफ करेगा। तो साफ करके कहां भेजेगा, कहां भेजेगा साफ करने के बाद,
साफ करने के बाद वो पंप के थ्रू इकोनोमाइजर में भेजेगा। अच्छा, तो पंप के थ्रू डायरेक्ट यही पानी भेज देगा, ठीक है चलो मान लिया, फील्ड वाटर पंप लगा दिया, वाटर फील्ड वाटर पंप बना दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो उसने क्या किया, वाटर जो नीचे से आया उसको ट्रीट किया, सही किया, साफ किया, देन उसको फील्ड वाटर पंप की हेल्प से फील्ड वाटर मीटर में भेज दिया। तो याद करिए फील्ड वाटर मीटर क्या है, मैंने आपको बताया था दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन फील्ड वाटर मीटर और क्लोज फील्ड वाटर मीटर, ये मैंने आपको रिजेनरेशन के केस में दिखाया था। फील्ड वाटर क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा। कैसे हीट एक्सचेंज करेगा, कैसे हीट एक्सचेंज करेगा, कैसे हीट एक्सचेंज करेगा, तो होता क्या है, देखिए आपने टरबाइन से कंडेंसर में लाया, जो स्टीम एक्सपैंड होकर कंडेंसर में आई, वो कंडेंस कैसे हो रही, कोई वाटर अंदर जाएगा और बाहर आएगा, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंजर का काम होगा। देखिए अगर हम कंडेंसर बना दें, ठीक है, इसका नाम कंडेंसर, ठीक, यहाँ पर स्टीम फिल होने वाली है, यहाँ पर आउट होने वाला है। अब स्टीम तो आउट होगी नहीं, राइट टाइम साइकिल में जो आउटलेट होता है वो स्टीम होती नहीं है, वो तो कंडेंस होने शुरू हो चुकी रहती है, कंडेंस लिक्विड होता है। कंडेंसर काम कैसे करेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहा है, उस कंडीशन में हमको कोई ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जो इसके साथ हीट एक्सचेंज कर सके, नाम में बस बता रहा हूँ सिर्फ नाम, हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो कि इसके साथ हीट एक्सचेंज कर सके। समझ लीजिए कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाटर पी यहां से हो रहा है और आउट यहां, देखिए एक साइकिल हमने बना दी कूलिंग टावर जिसे कहते हैं, कंडेंसर के साथ अटैच करते हैं, वो क्या करता है वाटर सर्कुलेट कराता है सर्कुलेटिंग पंप की हेल्प से, कौन सा वाटर, जो फ्रेश वाटर था हमारे पास, ठीक है। जब हम फ्रेश वाटर को सर्कुलेट कराते हैं कंडेंसर के थ्रू, देन वो कूल होना शुरू हो जाता है, देखिए हीट एक्सचेंज होगा, क्योंकि हाई टेंपरेचर और कोल्ड लो टेंपरेचर पे होगा, तो हीट एक्सचेंज करते हैं, तो कंडेंसर भी ऐसा हीट एक्सचेंजर काम करने लगता है, और फिर जो भी स्टीम हाई टू हाई टेंपरेचर की आ रही है उसको इजीली लिक्विफाई कर देता है और लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ये लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो मैं एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से कंडेंसर से यहाँ पर एंटर करा दें, कहाँ पर, ये जो वाटर मिल रहा था इसके साथ मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो एक्सट्रैक्टिंग पंप होगा ये ऑलरेडी वही वाला स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहा है जो फ्रेश वाटर से जनरेट हुआ है, तो ये जो वाटर से जनरेट हुआ है दोनों को मिक्सअप करेंगे, दोनों को फील्ड वाटर के से इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर का काम आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था अमाउंट ऑफ वाटर जो एंटर करने वाला है बॉयलर में स्टीम जनरेशन के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। कैसे कैसे बढ़ा देगा, क्या फायदा होगा, क्यों बढ़ा देगा, देखिए बढ़ा करने को क्या मिलने वाला है, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ी है, एक कर्व देखिए, ये कर्व कभी पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल हीटिंग का, एक्सपोनेंशियल कूलिंग का, ये कूलिंग के लिए है और ये हीटिंग के लिए है। कूलिंग और हीटिंग के लिए क्या है हमारे पास, टाइम के साथ टेम्परेचर का जो इंक्रीज होगा वैल्यू वो है, टाइम के साथ टेम्परेचर की वैल्यू। अब आप मुझे ये बताइए, आपके आपने कभी चाय बनाई होगी या गर्म पानी लिया होगा, ये ग्राफ देखने के लिए का हीटिंग वैल्यू, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए क्या है ग्राफ को देखते बता रहे, तो आपने जो चाय बनाई थी या गर्म पानी आपने बनाया आपको हीट करना है,
तो जब आप परचेस से पीस पे आएंगे ना, हो सकता है आपको एक मिनट 60 सेकंड लगे, ठीक है। आप 30 से 40 पे गए, हो सकता है 32 सेकंड या 50 सेकंड, 40 से 60 पे गए 40 सेकंड, 60 से 100 गए 5 सेकंड। ये जो इंक्रीज होगा ना, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना शुरू होगा। ये वैल्यू रैंडम नहीं गई, एक्सपोनेंशियल वो ना हो, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा। मतलब 25 से 30 आने में आपको 60 सेकंड लग गए, बट 60 से 100 आने में आपको 40 से 35% का डिक्रीज हो गया। मतलब कि आपको समय बहुत कम लगा 60 से 100 आने में। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा उतना कम हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर चाय आपका पहले से गर्म हो, चाय आपने ग्लास में पी लिया, अब आपके घर में कोई दोस्त आ गया, आप तो उससे बोला चाय यार अभी मैंने बनाई थी, पियोगे तो पी लो, बिल्कुल फ्रेश है, तो आपने क्या किया, गरम गरम चाय से ले ली चाय। तो क्या जिस टेम्परेचर पे आपने चाय लेके पिया वही वो टेम्परेचर होगा उसमें कुछ आपके फ्रेंड के? नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो गर्म हो सकता है अगर वो तुरंत आया है। उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, उस कंडीशन में ये होगा कि आप जब गए चाय कुमारा लेने के लिए, तो वो चाय की जो टेम्परेचर थी वो बॉयल कंडीशन में नहीं, आपने लिया था वो 100 डिग्री पे, जब आप गए तो आपने देखा कि वो 60 डिग्री पे अवेलेबल है, तो आपको लगा कि इसे दोबारा गर्म करना चाहिए। तो 60 से 100 आपको करने में मान लीजिए 15 सेकंड लगते हैं, 60 से 100 जाने में 15 सेकंड लगते हैं। वही चाय अगर वो 0 डिग्री पे रखा जाए फ्रिज में रख दिया जाए और वहां उसको 0 से निकाल करके फिर से गर्म किया जाए, तो उसको ज्यादा समय लगेगा या जो आप 60 से 100 पे गए थे? तो जब आप 60 से 100 पे गए तो आपको कम समय लगेगा हीट करने के लिए। वही बॉयलर के साथ होगा, अगर हम वाटर का टेम्परेचर पहले से थोड़ा इंक्रीज करके बॉयलर में रखेंगे तो बॉयलर को स्टीम जनरेशन के लिए कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और कम हीट सप्लाई करने का मतलब है हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होनी। कैसे? फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए कैसे एफिशिएंसी इक्वल्स टू वाटर अपॉन हीट सप्लाई। आपने देखा है, ये तो पढ़ा ही है। अब आप खुद सोचिए, अगर हीट सप्लाई हमने कम कर दी, हमने घटा दी, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहले से हीटिंग कंटेंट कम हो जाए जितना पहले था, तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। वही किया गया है। इकोनोमाइजर क्या करेगा, जो वाटर आ रहा है किसी टेम्परेचर से उसको थोड़ा सा हीट कर देगा और फिर बॉयलर में एंटर करा देगा, जिसकी वजह से जो हमें बॉयलर का हीट सप्लाई था ना, वो कम हो जाएगा, बॉयलर का हीट सप्लाई कम हो जाएगा। तो इकोनोमाइजर को हीट कहाँ से मिल रही है? इकोनोमाइजर को हीट कहाँ से मिल रही है? इकोनोमाइजर को हीट मिल रही है सुपर हीटर से। सुपर हीटर कहाँ से बन रहा था? बॉयलर से ही स्टीम लिया गया था टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए स्टीम का। तो सुपर हीटर को मिला, सुपर हीटर से जो स्टीम हाई टेम्परेचर निकला वो इकोनोमाइजर में गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर इकोनोमाइजर में भेजा है और फ्रेश वाटर हीट करा रहा है। इसका मतलब है कि इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर गया बॉयलर में एंटर करा दिया। देन इकोनोमाइजर अब जो बचेगा हमारे पास फ्रेश एयर बचेगी बस, क्योंकि हमने तो बाकी एंटर करा दिया, तो वो एयर प्रीहीटर में मूव कर गया। अब एयर प्रीहीटर का काम क्या था? तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा क्या एयर प्रीहीटर, तीन पार्ट में इसको बोलिए तो आपको नाम से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। हमें अमाउंट ऑफ एयर भी चाहिए रहती है, वो अलग है। एयर वो हवा जिसे हम प्री हीट कर रहे हैं। क्यों प्री हीट करेंगे? क्योंकि प्री हीट इसलिए करेंगे फिर वही काम हम हीट सप्लाई को रिड्यूस करेंगे। तो ये जो प्री हीट वाली हीट है वो कहां से आई? इकोनोमाइजर में हीट कहां से आई? क्यों बॉयलर से हीट निकाल दे रहे हैं? होता क्या है कि जब हम स्टीम जनरेट करते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट होती है, इतनी की जितनी आपको चाहिए नहीं,
तो जब उससे ज्यादा भी आपके पास अवेलेबल है तो हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, हम उसका यूज वहां कर सकते हैं जहां से हमको प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, बॉयलर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और रेस्ट हम स्टीम जनरेशन को टर्बाइन में भेज देते हैं। तो जो जो हमने एक्सट्रैक्ट किया ना एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, उस हीट को हम सुपर हीटर में पास किए, देन इकोनोमाइजर में पास किया, देन अपने हीटर में होते हुए चिमनी से एस्केप कर दिए। चिमनी से एस्केप क्यों, वो टेम्परेचर जो किसी काम का आप नहीं रहेंगे बदले गैस, उसे हम चिमनी के थ्रू पास करा दिए। तो ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। कौन सा प्रोसेस, बॉयलर यहाँ से स्टीम दिया सुपर हीटर को, फिर इकोनोमाइजर में, फिर एयर हीटर में, और कहाँ से वाटर मिला, नीचे से आया इकोनोमाइजर में गया, इसमें चला आया एयर हीटर में, एयर यहाँ से करेगा हीट पास होगी, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो बॉयलर में एंटर करेगा। इकोनोमाइजर में वाटर इधर से गया लो टेम्परेचर पे, देन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जब सुपर हीटर कॉन्टैक्ट में आएगा, सुपर हीटर का टेम्परेचर इकोनोमाइजर में कॉन्टैक्ट में आएगा, तो फिर हमें वाटर का हाई टेम्परेचर बॉयलर में मिला। इट मींस इसमें जो लोड पड़ रहा था कि तुम पूरे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करो और कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी है, वो कम देनी पड़ेगी। अब क्या है, ये सेक्शन तो हो गया, ये सेक्शन तो हो गया, ठीक है, ये सेक्शन तो हो गया। अब लेफ्ट वाला कौन सा बचा है, लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला सीएचपी पल्वराइजर ऐश हैंडलिंग प्लांट, आपसे ये मेंशन किया हुआ है ऐश हैंडलिंग प्लांट, शॉर्ट में लिखना आप पूरा लिखिएगा ऐश हैंडलिंग प्लांट। सीएचपी क्या है, कोल हैंडलिंग प्लांट। पल्वराइजर आपको पता ही क्या है, पढ़ाया था पल्वराइजर का काम क्या था, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना किसको, कोल। अब कोल की बात कर रहा हूं, तो बॉयलर में हमको कोल को इंट्रोड्यूस करा रहा है, बॉयलर में कोल को इंट्रोड्यूस करा रहा है। देख लीजिए ये बॉयलर है, कोल हैंडलिंग प्लांट और पल्वराइजर और ऐश हैंडलिंग प्लांट, तीन चीज के बारे में देखने वाले हैं। देखिए बॉयलर में, बॉयलर में आपने कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल लिया, उस कोल को आप पल्वराइजर में डालें, क्यों डालेंगे भाई, हम डायरेक्ट कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल को लेके बॉयलर में डाल दें, पल्वराइजर को हटा दें, आप हटा दीजिए, उससे क्या होगा, उससे हमारा ही लॉस होगा। क्या लॉस होगा, जो कोल होगा हम उसकी प्रॉपर बर्निंग नहीं करा पाएंगे, तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हमारा स्टीम जनरेशन बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम पल्वराइजर को स्मॉल अमाउंट ऑफ पल्वराइजर की हेल्प से कोल को स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्मॉल पार्टिकल्स वाला कोल था वो स्प्रेड आउट हो जाता है और ऐसे कह सकते हैं लार्ज सरफेस एरिया कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर बहुत इजीली होता है और कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब कंबशन प्रोसेस हो गया तो हमने एक वर्ड देखा था इनहेरेंट, जिसको हमने समझाया था कि कोल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो कोल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो आफ्टर कंबशन कुछ अमाउंट ऑफ ऐश छोड़ जाएगा, ऐश मींस राख, वो राख बचेगी। तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी, तो मैंने आपको बताया था ऐश हैंडलिंग प्लांट अलग होता है, तो ऐश हैंडलिंग प्लांट हमने अलग से देख रखा है, वो यहाँ पे लगा है, ऐश हैंडलिंग प्लांट यहाँ लगा हुआ है। कोल आया पल्वराइज के छोटे छोटे में लिया, देन वो बॉयलर में आया मींस कंबशन के लिए आया, और जब जल गया कंबशन हो गया, देन आफ्टर कंबशन यहाँ पर हमने एक ऐश हैंडलिंग प्लांट लगाया है, जिसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऐश को एक्सट्रैक्ट कर देगा और बॉयलर को क्लीन करने में हेल्प करेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ये स्टीम पावर प्लांट का लेआउट है। कल हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसी जगह है, साइट सिलेक्शन है साइट सिलेक्शन ऑफ स्टीम पावर प्लांट, ठीक है।
और इंडिया में कहां कहां कौन से प्लांट लगे हैं, वो कितने पावर के हैं, उसको देख लेंगे। ठीक है, ये लेआउट है स्टीम पावर प्लांट का, इसको लगा दिया मैंने आपको, यही लिख दिया इसे लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।